हरियाणा में अगले 24 घंटे में एक बार फिर से मौसम का परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम के इस परिवर्तन को लेकर कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ से खास बातचीत की मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में अगले 24 घंटे में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़। डॉक्टर खीचड़, अगले 24 घंटों में एक बार फिर मौसम को लेकर परिवर्तन देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि लगातार दो पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण 16 अप्रैल और 20 अप्रैल को मौसम में बदलाव देखने को मिला और राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में धूल भरी हवाएं और बूंदाबांदी और हल्की बारिश देखने को मिली। अभी एक पश्चिम विक्षोभ तो पास कर रहे हैं, इसके कारण एक प्रभाव से साइक्लोनिक संकुलेशन जो राजस्थान के आसपास बन रहा है और उसके कारण अगले 24 घंटों में हम कह सकते हैं कि 23 अप्रैल को राज्य में फिर से एक बार मौसम बदलाव देखने को मिलेगा और परंतु उसकी इंटेंसिटी 16 अप्रैल और 20 अप्रैल जितने तो नहीं रहेगी परंतु कम रहेगी, परंतु बूंदाबांदी और धूल भरी हवाएं चलने की पूरी संभावना बनी हुई है। ऐसे में किसानों को क्या कुछ सलाह आप देंगे? किसान भाइयों को यही है, क्योंकि अभी गेहूं की कटाई और कढ़ाई का काम जारी है तो थोड़ा जो बंडल वगैरह जो हम पहले सलाह दे रहे हैं उसी हिसाब से बंडल वगैरह की अच्छी तरह बांधे और तूड़ी जो भूसा है उसको अच्छी तरह ढके और जहां सुरक्षित स्थानों पर रखें। और किसान भाइयों की यह है कि नरमा और कपास की जो बिजाई चल रही है बीटी नरमा की ज्यादातर क्षेत्रों में पश्चिमी हरियाणा विशेषकर, तो उसको 24 घंटे के लिए रोक ले और 24 अप्रैल से जो मौसम है वो बिल्कुल खुश्क रहेगा आगे, तो तब बिजाई करें। चलिए, एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, धूल भरी आंधियां अगले 24 घंटे के बाद देखने को मिल सकती है। हरियाणा के कुछ इलाकों में बादलवाई, धूल भरी आंधियां, इसके अलावा बूंदाबांदी का मौसम भी देखने को मिलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।